लगता है आज ऑफिस में काफी रफ डे था। हाँ, अगर शर्मा नहीं होता तो अभी तक ऑफिस में ही सड़ रहा होता। अच्छा एनीवे मैं ना कर आता हूँ। अच्छा सुनो, कल हम लोग लंच पे जा रहे हैं शर्मा के यहाँ, रेडी करना। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। शर्मा, मीट माय वाइफ नीलम। प्रीति से तो मिल ही चुके हैं। नीलम, ये अभिमन्यु शर्मा। हेलो मिस्टर शर्मा, माधव ने आपके काम की बहुत तारीफें की हैं। थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। द प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू, मुझे भी तो अच्छा लगता है। ऐसे भी घर पे बैठे रहते हैं तो कोई घर पे आता है तो अच्छा लगता है। लिटिल रिफ्रेशमेंट यू नो। अच्छा, यू गाइस मेक योरसेल्फ एट होम, आई विल बी राइट बैक। व्हाई आर यू पीपल स्टैंडिंग? मदर, बैठो। मैडम आप बैठिए, बैठिए। ऑफिस के बाहर मिलना सही रहता है ना, और तुमने जितनी हेल्प की है वो एक कलीग से कहीं ज्यादा बन चुकी हो, है ना नीलम? वैसे भी तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे ना, कभी मिले नहीं? नहीं तो आई डोंट रिमेम्बर एनीवन नेम्ड अभिमन्य। या मी नाइदर, आई मीन नीलम नो, डजंट रिंग अ बेल। अभी पापा की दवाई खत्म हो गई है, 15 मिनट में देना है, प्लीज जाके लेके आओ ना। तुम अब बोल रही हो, कल जब निकला था तब। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बाइक लेकर आया हूँ, मैं और प्रीति जाते हैं लेकर आते हैं, है ना प्रीति? नहीं यार तुम रुको, मैं ही जाके लेकर आता हूँ। अरे मुझे तो दवाई का नाम भी नहीं पता। तुम गाड़ी निकालोगे तुम लेट हो जाएगी, इससे अच्छा मैं और प्रीति जाके लेके आते हैं। मैं भी चलती हूँ। तुम्हें मेडिसिन का नाम पता है? नहीं ना, तुम बैठो, मैं और प्रीति भागेंगे नहीं। माधव बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुम चाहती थी, अंडरस्टैंडिंग, फनी, टिप टॉप। बताया नहीं उसे हमारे बारे में? एक सीक्रेट देना, अभी तक छूटी नहीं आदत तुम्हारी। बुरी आदतें छूटती नहीं मेरी। मुझे तो छोड़ देती। शादी कब की तुमने? As promised, तुम्हारे ठीक एक दिन बाद। 3 साल बाद हुई थी मेरी शादी, तब तक गुस्सा थे? गुस्सा नहीं, उम्मीद थी शायद। वैसे प्रीति काफी खुश लग रही है, क्या तुम्हारा आरोग्य कम हो गया? She loves me for who I am. Are you lover? या फिर मुझसे बदला लेने के लिए उससे शादी कर ले? और क्या माधव की भी हेल्प तुमने इसीलिए की ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको? तुम्हें गुस्सा किस बात का है, कि तुम्हारा निकम्मा एक्स तुम्हारे हस्बैंड का कॉलीग बन गया या फिर मैंने शादी कर ली? तुमने क्या सोचा था कि I will never get over you? I thought that you will never get over your ego. पर प्रीति को तो देख के लगता है कि शायद मेरे लिए प्यार कम पड़ गया था। ईगो कभी था ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट था, है, रहेगा। प्रीति डिड नॉट हर्ट इट, बट यू डिड। और तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था? मेरे टेस्ट को, मेरी फैमिली को, मेरे तौर तरीकों को, मेरे फ्रेंड्स को? योर मदर हेटेड मी नीलू, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड माय आइडियोलॉजीज। आई एम सॉरी बट उतना सुपरफ्लूस नहीं बना जाएगा मुझसे। हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी होता है, क्या मैंने नहीं किया था? तुम्हारा वो कंजर्वेटिव आउटलुक,
कौन सा कंजर्वेटिव आउटलुक? तुम्हारे रिच एंड स्पॉइल्ड फैमिली फ्रेंड्स जो तुम्हारे नादानी का फायदा उठाते थे, तुम्हें समझ में नहीं आता यार? तुम जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? अभी तुम वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है, तुम वही मानते हो जो तुम्हें सही लगता है, और तुम दूसरों को भी उसी क्लास में मोल्ड करने की कोशिश करते हो। और तुमने कभी कोशिश नहीं की मुझे तुम्हारी फैमिली के काबिल बनाने की? Didn't you try to give me moral groups? और तुम क्या कह रही थी? I did not care enough. जब मैंने मना किया था तुम्हें गुप्ता के साथ जाने के लिए, तुमने मुझे इग्नोर कर दिया था। गुप्ता के साथ मत जाओ मतलब? मैं वहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के हैसियत से गई थी, but you always make it sound like कि मैं किसी के साथ। You know भी, शायद ये जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैंने जब तुम्हें उस दिन बोला था कि मेरे लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो तुमने मेरे को रोका नहीं। तुमने मेरे को बोला कि जो भी सही एक लड़का मिले तो उसे शादी कर। मुझे उस दिन गुस्सा बहुत आया था, पर उससे भी ज़्यादा मुझे दर्द हुआ था। पर अच्छा ही हुआ, अगर ये नहीं होता तो मेरे को पता नहीं चलता कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी सबसे बुरी आदत को छोड़ सकूँ। हमारा प्यार तो काबिल था, पर शायद टाइमिंग गलत थी। प्रीति इज अ सिंपल गर्ल लीलू, हमारे ड्रीम्स एक्सपेक्टेशंस इंटरेस्ट सब एक जैसे हैं। मैं उसकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। आई फील वांटेड हियर। माधव इज ऑल्सो अ ग्रेट गाय। आई फील ही मस्ट हैव केप्ट यू सेटिस्फाइड इन एवरी वे। Not in every way. What do you mean? Neelu, are you okay? Yes, it's just that he's weak. We have been trying to get pregnant. But he doesn't have that much strength. I know it's awkward. मेरा ऐसा तुम्हें बोलना, पर आई डोंट नो व्हाट टू डू। लिसन टू मी, देयर इज नथिंग टू गेट एम्बैरस्ड अबाउट। एक्चुअली आई हैव बीन गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम। ये लो, एक्ट इज इट। शायद वो लोग आ गए हैं, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अभी जरा सुनो। Do I stink like secrets? वो माधव को पता नहीं,